जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। ताल के आखिरी चंद्र ग्रहण पर क्या होगा असर, जानिए पंडित जी से। ताल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज मंगलवार को यानी कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ रहा है। यह चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि यह 15 दिन के अंदर दूसरा चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राचीन कथाओं में ऐसे ग्रहण को विनाशकारी माना जाता है। इस ग्रहण का क्या असर दिखाई देगा, यह हम जानते हैं पंडित जी से। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है, यह चंद्र ग्रहण किन लोगों के लिए हानिकारक होगा और किन लोगों के लिए लाभप्रद होगा, इस चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही कई सवालों को जानने के लिए आज हम आ गए हैं पंडित जी के पास। पंडित जी से आज हम जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, सूतक कितने बजे लगेगा और कितने बजे तक लगा रहेगा, चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, साथ ही इसी चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए कई अन्य मुद्दों पर पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे जी। पंडित जी क्या असर दिखाई देगा चंद्र ग्रहण का? चंद्र ग्रहण का असर अच्छा नहीं होगा। मेघ राश के भरणी नक्षत्र पर ग्रहण लग रहा है, इसलिए मेघ राश वालों के लिए नहीं ठीक है। फिर अन्य किसी भी राश वाले के लिए ग्रहण ज्यादा बढ़िया नहीं है। कितने बजे से सूतक लगा है पंडित जी? इसका सूतक 9 घंटा पूर्व लगता है। शाम को जितने समय चंद्र उदय होगा उसी समय से ग्रहण प्रारंभ होगा। कितने बजे से ग्रहण पड़ना है? 5:12 लिखा है, लेकिन 5 यहाँ 7 मिनट और बाद में सूर्योदय होने के कारण 5:17 से जोड़ करके और 6:19 तक पड़ेगा। अच्छा, भारत में क्या आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थितियाँ हैं या पूर्णकालिक है? हाँ, आंशिक ही है, खंडराश चंद्र ग्रहण है तो यहाँ पर कोई विशेष नहीं, लेकिन विशेष नुकसान तो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन अन्य देशों में भी इसका असर जहाँ पर दिखाई पड़े ज्यादा वहाँ पर इसका असर विशेष रहेगा। अच्छा, जैसा हमने देखा कि महाभारत के समय में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 15 काल में 2 चंद्र ग्रहण पड़े और अभी हमने देखा कि दिवाली के दूसरे दिन मतलब 24 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा और आज चंद्र ग्रहण है। 15 दिन के समय में, 15 दिन के अंतराल में ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, इसका क्या असर दिखाई देगा? इसका असर विश्व युद्ध जैसे हालात बनेंगे और कहीं पर भयानक युद्ध भी हो सकता है, बहुत जन हानि की आशंका है। इस चंद्र ग्रहण पे क्या करना चाहिए लोगों को मुख्यतः? इस चंद्र ग्रहण पर लोगों को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। उस समय जाप अपने या तो दीक्षा मंत्र का जप करें या किसी भगवान के भजन में ही संलग्न रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सूतक काल से लेकर के रोगी वृद्ध बालकों को छोड़ करके, छोटे बालकों को छोड़ करके अन्य किसी को खाना पीना नहीं चाहिए और कोई अन्य कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान का भजन इसमें भी करना चाहिए सूतक काल। विशेषता इस चंद्र ग्रहण पर या अन्य ग्रहणों पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के सामने कई सारी समस्याएं होती हैं। गर्भवती महिलाएं गाय के गोबर अपने मतलब उधर पर लगा लें, इससे उनको कोई हानि नहीं होगी बालक को, और वो भी कुछ खाए पिए ना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक एकदम बिल्कुल ऐसे रहें, भगवान के नाम का वो भी जप करें, चाहे वो नमः शिवाय या किसी भी मंत्र का जप या भगवान राम के नाम का जप कुछ करते रहें, इससे उनका कल्याण ही होगा। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए थे, पंडित जी ने बताया कि किस प्रकार का इसका असर दिखाई देगा। जैसा कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लोग आशंका भी जता रहे हैं कि 15 दिन के समय अंतराल में 2 ग्रहणों का पड़ना अनिष्टकारक साबित हो सकता है, वहीं पंडित जी ने भी हमारे इस बात पर अपनी मोहर लगा दी और उन्होंने भी बताया कि विश्व युद्ध जैसी आशंकाएं जताई जा रही है। चूंकि पहले ही हमने देखा कि महाभारत के समय 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण हुए, जिसके बाद महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ और अब ये दोबारा से देखने को मिल रहा है। देखना यह बाकी है कि क्या इसका असर दिखाई देगा।